तो हेलो एवरीवन, आज मैं कैप्चर करने वाला हूँ अंटार्कटिका में लाइट शो। तो क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर ये लाइट शो कौन कंट्रोल करता है? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। ओह माय गॉड, वाओ। अभी जो आपने लाइट शो देखा है, इसे ओरोरा कहते हैं, यानी कि पोलर लाइट्स। सो इसके कई सारे नाम हैं। अगर आप नॉर्थ पोल में हैं तो इसे नॉर्दर्न लाइट्स या ओरोरा बोरियालिस कहते हैं, और अगर आप साउथ पोल में हैं तो इसे सदर्न लाइट्स या ओरोरा ऑस्ट्रालिस कहते हैं। और यह अर्थ के हाई लेटिट्यूड रीजन में पाए जाते हैं। ओरोरा बनने के पीछे का कारण है सन। सो सन एक बिगेस्ट सोर्स है एनर्जी का, और सन का जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है जिसको कोरोना कहते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा हाई हीट एनर्जी होती है, जिसकी वजह से जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके अंदर वो लूज कर देते हैं कुछ पार्टिकल्स को। और ये जो पार्टिकल्स होते हैं, या तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, और इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, और यह सन से निकल करके स्पेस में चले जाते हैं बहुत ही हाई स्पीड से। सो जिस तरीके से जब एयर पार्टिकल जब मूव करते हैं उसको हम विंड कहते हैं, उसी तरीके से जब ये हॉट चार्ज पार्टिकल्स मूव करते हैं तो इसे हम सोलर विंड्स कहते हैं। सो हमारी अर्थ के पास उसकी खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड होती है जो कि उसे शील्ड की तरह प्रोटेक्ट करती है। तो जब ये चार्ज पार्टिकल्स अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड पे हिट करते हैं तो ये डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, तो ये एंटर नहीं कर पाते अर्थ पर। लेकिन कई बार काफी बड़ी स्ट्रीम्स में ये चार्ज पार्टिकल्स सन से रिलीज होते हैं, जिसको कोरोनल मास इजेक्शन कहते हैं। तो जब ये सुपर हॉट चार्ज पार्टिकल्स अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो इस इंटरेक्शन की वजह से जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है ये एक रबर बैंड की तरह स्ट्रेच कर जाती है, और ये जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं ये डिफ्लेक्ट कर जाते हैं, और कुछ चार्ज पार्टिकल्स जो है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ अर्थ के पोल्स पर ट्रेवल कर जाते हैं। तो जब ये चार्ज पार्टिकल्स अर्थ के पोल्स पर पहुंचते हैं, उसके बाद ये है अर्थ के एटमोस्फेयर में एंटर कर जाते हैं, जहां पर वो एटमोस्फेयर में प्रेजेंट गैस मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करते हैं। एटमोस्फेयर में जो गैस पार्टिकल्स होते हैं उनमें चार्ज नहीं होता है, लेकिन जब वो इन चार्ज पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो वो भी चार्ज हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो एनर्जी रिलीज करते हैं इन कलरफुल लाइट्स के फॉर्म में, जिसको हम ओरोरा कहते हैं। सो ये ओरोरा की इंटेंसिटी, कलर और पैटर्न्स जो है ये वेरी करते हैं, और ये डिपेंड करता है कि ये कितनी स्ट्रेंथ के साथ सोलर विंड और कोरोनल मास इजेक्शन हुआ है, और ये इस पे भी डिपेंड करता है कि कितने एल्टीट्यूड पर ये जो चार्ज पार्टिकल्स है ये इनका कोलाइजन हुआ है गैस मॉलिक्यूल्स के साथ एटमोस्फेयर में। तो आपने काफी सारे कलर्स देखे होंगे ओरोरा के, जैसे कि ग्रीन कलर, रेड कलर, ब्लू, पर्पल। सो यह भी अलग अलग मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करके हुए हैं, जैसे कि ग्रीन कलर जो कि मोस्ट कॉमन ओरोराज में से एक है, यह चार्ज पार्टिकल्स के ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके होता है लो एल्टीट्यूड पर। और उसी तरह रेड ओरोराज जो है वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके होते हैं हाई एल्टीट्यूड पर, और बाकी पिंक, पर्पल और ब्लू ओरोराज जो है वो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके बनते हैं अलग अलग एल्टीट्यूड्स पर। सो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो में पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट कीजिए अगर आप भी वंस इन अ लाइफ टाइम इस ओरोरा को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। तो मैं मोहित शर्मा आपसे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।